अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? यार हमने यहाँ पर मुर्गी को शिफ्ट तो कर दिया, साथ में उसके 30 चूजे भी शिफ्ट कर दिए, लेकिन दोस्तों इस मुर्गी ने मास्टर केज का बुरा हाल किया हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भी आपको गमला नजर आएगा उसके अंदर मट्टी आधी हुई पड़ी है। जो भी गमला दोस्तों देखेंगे आप, सारा का सारा खराब नजर आएगा आपको। तो यार ये मुर्गी मुझे अब टेंशन दे रही है। इस मुर्गी को मैंने सोचा कि कुछ इसका हल निकालेंगे, लेकिन अभी कुछ जहन में नहीं आ रहा इसका क्या करना है। फिलहाल दोस्तों मैं सब पौधों को पानी दे दूं, क्योंकि दोस्तों हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। कुछ पौधों की मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, वो कौन से पौधे हैं। ये देखें, ये हमारा दोस्तों मेरा फेवरेट पौधा, गुलेचीन का पौधा। माशाल्लाह दोस्तों इसकी आप टहनी देखें, यहाँ से यहाँ तक न्यू आई है और ये सारे पत्ते दोस्तों नए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। जब ये दोस्तों दरख्त बन जाएगा ना, इसके ऊपर प्यारे प्यारे से फूल होते हैं सफेद रंग के, और उसके अंदर बहुत प्यारी खुशबू होती है। सुनकर दोस्तों ऐसे दिल खुशगवार सा हो जाता है यार। तो चले अभी हम पौधों को पानी देते हैं जो बाकी रहते हैं। तो पानी से दोस्तों हमने पौधों को दे दिया। आप देख सकते हैं दोस्तों मट्टी से सारा फर्श भरा हुआ है मास्टर केज का, और हमारे परिंदे बेचारे इस मुर्गी की वजह से दोस्तों वो सामने नेस्ट बॉक्सेस पर बैठे हुए हैं, मतलब वो नीचे ही नहीं आते। तो कोई ना कोई दोस्तों फैसला लाजमी उठाना होगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या हमारे वजीर ने अंडे दिए या नहीं दिए, क्योंकि दोस्तों 2 से 3 दिन हो गए हैं। बहुत सारे भाई मुझे कहते हैं यार आप वीडियो के एंड में बजीज का जिक्र करते हैं कि मैं अंडे देखने लगा हूं, लेकिन मैं देखता नहीं था। सितन क्या लगता है भाई? मेरे पास वो मशीन नहीं है जिससे चेक करते हैं अंदर, सो मैं कुछ नहीं बता सकता यार। अंदाजा देखते हैं खैर दोस्तों कि अंडे अंदर घुसो के कैसे कैसे नजर आएगा। चलो देखो जैसे कैसे ऐसे वैसे तोती अंदर चलेगी, वो वाली देख तो इधर, लेकिन इसका पहले देखते हैं। चलो शुरू। हाथ नहीं जा रहा ना, यही टेंशन वाली बात होती है। यहाँ से नजर तो आ रहा है। हाँ आ रहा है। हाँ मैं फिर मुझे बताना। हाँ हाँ ये बिस्मिल्लाह, खाली 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 है, यहाँ तक तो खाली है। ऐसे हिलाओ नहीं तो आप। वे, दो अंडे। वाह, दो अंडे यार, माशाल्लाह। मैंने बोला था मुझे शक हो रहा है, क्योंकि ये मेटिंग पेयर कर रहा था। तो दोस्तों दो अंडे हैं हमारे बजीज के, पीली वाली तोती के, माशाल्लाह। और हमारे सेटअप पर दोस्तों फर्स्ट टाइम बजीज है, और फर्स्ट टाइम हमारे तोतों की ब्रीड है ये, मतलब फर्स्ट टाइम किसी तोते ने हमारे सेटअप पर अंडे दिए हैं। तो मैं हाथ नहीं लगाता ना, छोड़ दो, देख लिए पता चल गया बस। तो दोस्तों आप भी मुझे कहते थे कि प्लीज बताइएगा अंडे दिए या नहीं दिए, और आपने देखा हमारे वजीर ने अंडे दे दिए हैं, और इसका आप देखते हैं यार इसने दिए या नहीं दिए। इसने भी दिए होंगे भाई, दोनों अंदर चले गए दोनों। नहीं नहीं एक ही है। तो यार इसका आप चेक करते हैं, देख लूं। चलो नजर आ रहे हैं? हां नजर आएगा। ये तोती अंदर ही है यार, सिर्फ मुझे लगता है इसने भी दिए हुए हैं। यहाँ से ना निकल जाए भाई, यार ध्यान से मुझे तुम बताना, मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ हाँ ठीक है मैं बता। ठीक है यार, हाथ नहीं जा रहा, ये तो बहुत मुश्किल नजर आएगा। यार एक मिनट यार सिपेन देखो ना, बहुत तंग हो रहा हूँ मैं। इसमें अंडा नहीं है, बच्चा निकला हुआ है, ये देखो। यार इसको हटाओ ना, तोती बैठी हुई है यार अंदर, इसको चेक कर ले। मुझे लगता है इसमें भी अंडे होंगे या नहीं होंगे, क्या लगता है? तो यार एक काम करते हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करते, मैं खुद इधर से ना कैमरा करता हूँ, फिर नजर आ जाएगा। आई थिंक अब नजर आ रहे होंगे। ये क्या खा रहे हो? ब्रश खाता है ये, करता नहीं है। चलो इधर आओ, एक चीज दिखाऊं तुम्हें। आपको पता है चाचू, बजीर ने अंडे दे दिए, इसके अंदर है। मुझे दिखाओ ना। आप कैसे देखोगे इसको? उठा लो, उठाता हूँ फिर आप देखना। ठीक है दिखाओ भाई इसको चाचू। नजर आए? नजर आए, अंदर बैठी हुई है, अंडों के ऊपर बैठी हुई है। बहुत दफा मुझे कहता था कि चाचू जब ये अंडे देना मुझे लाजमी बताइएगा, मुझे लाजमी बताइएगा, और इसको दोस्तों आज मैंने बता दिया कि ये है जी आज हमारी गुड न्यूज। ओ यार अब मुझे नहीं पता दोस्तों ये कितना दिनों के बाद बच्चे निकालते हैं, शायद इनका भी वही टाइम पीरियड होगा, कोई 21 दिन या कोई 19 दिन ऐसे ही होगा, मुझे अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम रख रहा हूँ ना दोस्तों, इस वजह से। बस दुआ कीजिएगा दोस्तों कि चारों अंडे फर्टाइल हों, मतलब कोई बच्चा जाया ना हो। तो खैर हम अब दोस्तों क्या करते हैं, यार मैंने एक चीज़ सोची हुई थी वो करेंगे। हाँ जो हमने दोस्तों अंडा रखा था कबूतर के नीचे मुर्गी का, उसकी आज हम करते हैं कैडलिंग, और देखते हैं कि यार उसमें बच्चा बनना शुरू हुआ है या नहीं हुआ।
तो अभी तक देखिए दोस्तों, वो बैठा हुआ है वफादार कबूतर उस अंडे के ऊपर, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से केयर कर रहे हैं इस अंडे की। और इन बेचारों को नहीं पता कि ये अंडा हमारा नहीं है बल्कि एक मुर्गी का अंडा है। तो चलिए दोस्तों, हम इस अंडे को आज उठाते हैं और इसकी करते हैं कैंडलिंग। क्या लगता है सिद्धांत, बन रहा होगा? आई थिंक मुझे भी ऐसे लग रहा है, क्योंकि यार 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए बैठा हुआ है और No नहीं, नहीं बन रहा यार। है थोड़ा थोड़ा, देखो थोड़ा थोड़ा है, नहीं रेडिश लाइंस। उम्मीद है बन रहा है, अभी टाइम लगेगा, लेकिन प्रॉपर नहीं नजर आ रहा, लेकिन है। कुछ टाइम के बाद चेक करेंगे, नहीं तो कोई और अंडा रख देंगे ना। चलो शाम। तो चलें दोस्तों, हम इनके नीचे वापस ये वाला अंडा रख रहे हैं। तो दाना दोस्तों हमने डाल दिया है, और हमारे सारे कबूतर। यार ये किसका अंडा पड़ा है? ये किसका अंडा आ गया नीचे? हाँ टूटा हुआ ये तो। यार मेरे ख्याल में लकी कबूतरी अभी आई है। यार ये पागल है क्या? पानी वो दाना डाला है ना मैंने, फिर उसको टच होके नीचे गिर गया। शिट यार, ये क्या किया इसने, बाकी थोड़े से दिन रहते थे यार इस अंडे के। ये तो गलत बात है यार, थोड़ा इसको देख के नहीं आना चाहिए यार बाहर, पागलों की तरह बाहर रही है। अब तो गया, इसमें तो बच्चा भी था ना। हाँ ना यार, ये तो गलत है यार, अब क्या खत्म कहानी ना। ये तो गया अंडा, खत्म है, बल्कि अंडा खराब, अंडा भी खराब। नहीं भाई, बच्चा है अंदर, देखो। नहीं प्रोसेस खत्म, ये अंडा खराब हो चुका था। अच्छा बच्चा बना हुआ था दोस्तों लकी कबूतरी का, ये देखें, लेकिन ये अंडा खराब था, उसने सही से इनक्यूबेट नहीं किया, ये अंडा भी खराब था। यार लक्ष्मी वाली कबूतरी ने भी अंडा दिया। अच्छा? माशाल्लाह, मुझे बहुत सारे भाई कहते थे यार ये अंडे नहीं देगी क्योंकि इसको लकवा हो चुका है, लेकिन ये देखे ना उसके खाने में ये अंडा पड़ा हुआ था। माशाल्लाह यार, ये और भी देगी ना। हाँ एक और देगी इंशाल्लाह। तो यार इसको हम वापस रख देते हैं, ये तो अच्छा हो गया। हमारी लकवे वाली कबूतरी अब माँ बन जाएगी कुछ दिनों के बाद। और हमारी शिराजी कबूतरी ने दोस्तों अभी तक एक ही अंडा दिया, इन्होंने नेस्ट नहीं बनाया। यार मैं हैरान हूँ, पता नहीं क्या वजह है नेस्ट ना बनाने की। तो खैर हमारी सब कबूतरें ऐसा ऐसा करके अंडे दे भी रही हैं, तोड़ भी रही हैं, उनकी मर्जी है यार अब। और ये हम बाजरा लेकर आए हैं, ये हम उनको सेव कर लेते हैं और अंदर चलते हैं, उनको भी डालते हैं यार फिंचिस को। यार खाली पड़ा है, ये भी खत्म हो चुके हैं, और फिर हम बर्तन में भी बाजरा डाल देंगे। तो माशाल्लाह दोस्तों हमारी डव दाना खाने के लिए आ गई है, और ऐसे ऐसे करके सारे आ जाएंगे। ये देखें दोस्तों हमारी जेब्रा फिंच भी आ गई है, पानी पी रही है और साथ में अब दाना खाएगी। उड़ गई यार, नहीं खाया इसने। तो खैर इनको हम अकेला छोड़ देते हैं। चलो डायमंड ये लो खाओ, ये लो ये लो ये लो ये लो, चलो मजे से पेट फुल कर लो, पूरी रात है। तो खैर दोस्तों आज के हमारे काम हो गए, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल शहर में जात को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मिलेंगे शायद कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।